वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद मी और मैं हूं मुस्कान। आज मैं आप सब लोगों के साथ अपना ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूं, जो कि एक इंडियन गर्ल मेकअप लुक भी होगा और साथ ही साथ ये मैंने मेकअप लुक अपने महाशिवरात्रि के लिए किया है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं। और साथ ही मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, जितना भी मुझे आता है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं ये इंडियन गर्ल मेकअप लुक प्लस महाशिवरात्रि लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगे तो मेक श्योर इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो हमारे स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करेगा, जो कि हमारे फाउंडेशन के लिए बहुत अच्छा बेस होगा। और साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, मैं जो भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो मेक श्योर आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लेना। अब मैं इन्फो लेवल का मालियो का इन्फो लेवल प्राइमर यूज कर रही हूँ अपने टी जोन पे, वो भी बहुत लिटिल अमाउंट में, जो हमारे फाउंडेशन को बहुत ही अच्छा फेस देगा और हमारा फाउंडेशन अच्छे से हमारे फेस पे लगेगा। अब मैं इसे अपने नेक पे भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और साथ ही मैं इस फाउंडेशन को एज अ आई प्राइमर भी यूज़ करूँगी, जो हमारी आई को अच्छा बेस देगा। अब मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे डैप डैप करके सेट कर लूँगी। हमें ड्रैग नहीं करना है अपने फेस पे, क्योंकि हमारा फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई नहीं होगा। आई एम टेकिंग दिस मीना कॉन्ट्रोल पैलेट, आई एम टेकिंग दिस शेड फॉर हाईलाइट माई अंडर आईज एंड कंसील। मैं इसे अपनी अंडर आईज पर ट्रायंगल शेप में लगाऊंगी एंड अपनी ब्रिज ऑफ द नोज पे, क्यूपिड्स पे और चिन पे, और साथ ही मैं अपने फोरहेड पे लगाऊंगी, जिससे ये जो भी मेरा। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी किसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, बट इसकी ज़्यादा ब्लेंडिंग बहुत अच्छी नहीं है, मैं ब्रश का यूज कर रही हूँ। अब मैं अपने फेस को कॉन्टर करूंगी, अपनी हॉलोज ऑफ चीक को, अपनी जॉ लाइन को से कंट्रोल करूंगी, साथ ही अपनी नोज को शेप करूंगी, नोज को कंट्रोल करूंगी स्लाइटली, ज़्यादा हार्श मैं नहीं रखूंगी अपनी कंट्रोल को। अब मैं किसी अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड करूंगी, ताकि कोई भी हार्श एजेस नहीं। अब मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूंगी किसी भी कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर की हेल्प से। सबसे पहले हम अपनी अंडर आईज को सेट करेंगे, आप देख सकते हैं, जिससे कि हमारी अंडर आईज पे कोई क्रीज ना रहे और साथ ही हमारा फेस भी क्रीज ना करे, क्योंकि हमने सारे क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करे हैं। तो हम इसे अच्छे से सेट करेंगे, लेकिन लाइट हैंडेड से। अब मैं अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइजर कर लूँगी कोई भी लिप बाम लगा के। मैं ये लाइट ब्राउन कलर ले रही हूँ अपनी आईज को ट्रांजेक्शन करने के लिए। अपनी क्रीज लाइन पे मैं इसे अच्छे से प्लेस करूँगी, उसके बाद अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हार्श एजेस ना रहे, आप सब लोग देख सकते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। अब मैं किसी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से जो भी हार्श एजेस हैं क्लीन करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी दोनों आई शेडो को। अब मैं लाइट कॉपर शेड लेके शेडर ब्रश की हेल्प से अपनी आईज पे प्लेस करूंगी।
आई यूज कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश. नाउ आई एम यूजिंग दिस इनशाइन HD ब्लश. मैं इसे अच्छे से अपनी चीक बोन पे और अपने चीक पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी. इसको अच्छे से हाईलाइट कर लूंगी अपने फोरहेड पे, रिज ऑफ द नोज एंड टिप ऑफ द नोज, चिन पे, क्यूपिड्स पे, साथ ही अपने चीक बोन्स पे, बेसिकली जो भी हमारे फेस के हाईएस्ट पॉइंट है उन्हें मैं हाईलाइट कर लूंगी और साथ ही अपने फिंगर की हेल्प से अपने आई बोन्स को हाईलाइट कर लूंगी. मैं ब्लू हेवन की लिपस्टिक मॉप रेड कलर की अपने लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी बिकॉज ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है. नाउ आई एम यूजिंग दिस मेकअप सेटिंग स्प्रे. हमने देख लिया ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट करना है, साथ ही मैंने अपने इस मेकअप लुक को फिनिश करने के लिए बिंदी अप्लाई करी है. दैट्स ऑप्शनल, अगर आपको अप्लाई करनी है तो कर. आने से पहले मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन. तो जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो से नोटिफाइड रहेंगे. और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे कर देना है लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.